डीएसपी की अगुवाई में शहर के कैफे पर पुलिस की दबिश, अनैतिक गतिविधियों के संचालन की शिकायत पर कार्रवाई। चुरू शहर के कैफे में अनैतिक गतिविधियों की सूचना पर पुलिस ने शहर में विभिन्न जगह संचालित कैफे पर दबिश देकर कार्रवाई की है। पुलिस ने कैफे संचालकों को कैफे में अवैध रूप से बनाए गए कैबिन हटाने के निर्देश दिए। एसपी जय यादव के निर्देश पर डीएसपी सुनील झाझड़िया के नेतृत्व में पुलिस ने कैफे पर रेड मारी। डीएसपी सुनील झाझड़िया ने बताया कि एसपी जय यादव के निर्देश पर राजकीय लोहिया कॉलेज के आसपास 12 कैफे की तलाशी ली गई। इसमें कोतवाली थाना अधिकारी मुकुट बिहारी, सदर थाना अधिकारी बलवंत सिंह, महिला थाना अधिकारी करतार सिंह, रतन नगर थाना अधिकारी जय प्रकाश भी शामिल थे। उन्होंने बताया कि कई कैफे संदिग्ध भी पाए गए, जिनके संचालकों को सख्त हिदायत दी गई कि नियमानुसार कैफे का संचालन करें, अन्यथा इनको बंद कर दें। अगर पुलिस कार्रवाई में कुछ गलत मिला तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोहिया कॉलेज के आसपास 12 कैफे आकस्मिक तौर पर चेक किए गए हैं, जिसमें कोतवाली SHO, रतन नगर SHO, महिला थाना सदर SHO भी साथ थे। तो 12 जो कैफे देखे हैं तो संदिग्ध अवस्था के से निर्मित दिख रहे हैं, जिनको हिदायत दी गई है कि इनको सही ढंग से चलाएं और अच्छा मेंटेन रखें। सर, क्या इसको लेकर ये अभियान जारी रहेगा? बिल्कुल, ये लगातार जारी रहेगा और कोई भी अवांछित गति पाए जाने पे कैफे के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज लगभग कितने कैफे में कार्रवाई की? करीब 12 कैफे हमने चेक किया।